क्यों करते हो गुरूर अपने चार दिन के ठाट पर, मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुंचोगे घाट पर। क्या हम बिल्डर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, कैटरर्स, डेकोरेटर्स के लिए कमा रहे हैं दोस्तों? हम बड़े बड़े कीमती मकानों और बेहद खर्चीली शादियों से किसे इंप्रेस करना चाहते हैं? क्या आपको याद है कि दो दिन पहले किसी की शादी में आपने क्या खाया था? जीवन के प्रारंभिक वर्षों में क्यों हम पशुओं की तरह काम करते रहते हैं और काम में जुटे रहते हैं? कितनी पीढ़ियों के खान पान और लालन पालन की व्यवस्था हम करना चाहते हैं? हम में से अधिकांश लोगों के दो बच्चे हैं, बहुत का तो सिर्फ एक ही बच्चा है। हमारी जरूरत कितनी है और हम कितना पाना चाहते हैं, इसके बारे में जरा सोचिए। क्या हमारी अगली पीढ़ी कमाने में सक्षम नहीं है जो हम उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर देना चाहते हैं? क्या हम सप्ताह में डेढ़ दिन अपने मित्रों, अपने परिवार और अपने लिए स्पेयर नहीं कर सकते? क्या आप अपनी मासिक आय का 5% अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए खर्च करते हैं? सामान्यतः जवाब नहीं में ही होता है। हम कमाने के साथ साथ आनंद भी क्यों नहीं प्राप्त कर सकते दोस्तों? इससे पहले कि आप स्लिप डिस्क का शिकार हो जाएं, इससे पहले कि कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट को ब्लॉक कर दे, आनंद प्राप्ति के लिए समय निकालिए मेरे दोस्तों। हम किसी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते, सिर्फ कुछ कागजातों, कुछ दस्तावेजों पर अस्थायी रूप से हमारा नाम लिखा होता है। अगर भगवान ऊपर है तो वो हमें देखकर हंसता होगा, वो सोचता होगा कि हम कैसी कैसी बातें करते हैं जब हम कहते हैं कि मैं इस जमीन के टुकड़े का मालिक हूं। किसी के भी बारे में उसके शानदार कपड़े और बढ़िया कार देखकर राय कायम मत कीजिए। हमारे महान गणित और विज्ञान के शिक्षक स्कूटर पर ही आया जाया करते थे। धनवान होना गलत बात नहीं है, लेकिन सिर्फ धनवान होना गलत है। आइए जिंदगी को पकड़ें, इससे पहले कि जिंदगी हमको पकड़ ले। एक दिन हम सब जुदा हो जाएंगे, तब अपनी बातें, अपने सपने हम बहुत मिस करेंगे। दिन, महीने, साल गुजर जाएंगे, शायद कभी कोई संपर्क नहीं रहेगा। एक रोज हमारी बहुत पुरानी तस्वीर देखकर हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि तस्वीर में ये दूसरे लोग कौन हैं? तब हम मुस्कुराकर अपने अदृश्य आंसुओं के साथ बड़े फक्र से कहेंगे, ये वो लोग हैं जिनके साथ मैंने अपने जीवन के बेहतरीन दिन गुजारे थे। मेरे दोस्तों, जीना सीखिए। धन्यवाद। जय हिंद।